जी तो सुबह की शुरुआत हो है अपनी एक चम्मच नारियल तेल के साथ। जूते जाते पैर लिए थे हमारा, पुच्ची भी उठ लिया था और हम पहुंच गए ग्राउंड पास। तो पुच्ची मोहित ने कसूती हिम्मत मारी है, बोले हम दोनों रनिंग करेंगे, पौने घंटे की वॉक और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग के बाद आमा जावा वापस घर ने। आंधी है मैंने तैयार करी अपनी स्टीम्ड वेजिटेबल्स, जो सब्जी हम उबाला करा उसमें मेनली रहा करा हमारे गाजर मटर बीन्स, उसके अलावा शकरकंदी और कदे कदे का दाल आलू भी डाल लिया करा। सब्जी उबल की तैयार हुई इतने में नहा धोकी रेडी हो गई थी और साथ में मैंने थोड़ा सा गुड़ कस लिया तिल में मिक्स करने खातर। हम निपटा के हम पहुंच गए अपने क्लिनिक पे, जाके मैंने अपने पेशेंट देखे और इतनी देर में मोहित के एक पुराने दोस्त आ जाए हमारे क्लिनिक पे। बैठ दी हमारी बात शुरू हुई इम्प्योर वाटर के ऊपर, कितनी इम्प्योरिटीज के साथ आप पानी पीने लग रहे हैं फिलहाल। ये लेके आ रहे थे भाई कैंगन वाटर, न्यू सुनी है कि इसमें कोई इम्प्योरिटी को नहीं होती। इनने हमारे थी कुछ एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाए। एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले वो सौंफ गोलन वाला था, उसके बाद एक बेटाडीन का था, तीन चार एक्सपेरिमेंट थे। तो भाई कमेंट करके बताइए तुमने भी कैंगन वाटर के बारे में सुना है कि कुछ भी कहो, आजकल आप इतना इम्प्योर खाना और पानी पीने लग रहे हैं ना, उससे की वजह से इतनी बीमारी आने लग रही है। मैं तो सब पेशेंटा ने भाई एडवाइस करा करूँ की गेहूं कम से कम यूज करा करो, मोटा अनाज आप जितना खाओगे उतनी ज्यादा आपकी अच्छी हेल्थ रहेगी, साथ में थोड़ी सी उबली हुई सब्जी एक टाइम तो जरूर खाने की कोशिश करा करो। एक्सपेरिमेंट पूरे हुए इतने लगभग आधा पौना घंटा लग गया था, हमारा क्लिनिक का टाइम भी हो लिया था। क्लिनिक का सारा काम निपटा के हम आ जाए घर ने उल्टे। आज सुबह हम मूंग भिगो के चले गए थे, आके मूंग की दाल बनाओगे वो भी स्पेशल मिर्ची के तड़का वाली, जो कि हमारे बाबा ने सिखाई थी हमारे दही। अगर तुम भी ये मिर्ची के तड़का वाली दाल बनाओ तो इसमें यह बात खास ध्यान रखनी है कि इसमें मोटी मिर्ची लेनी है जो कि तीखी ना हो। दाल तैयार हुई इतने मैंने मशीन लगा दी थी, लेकिन आज कपड़े थे वह हाथ धोने वाले थे, जो कि शादी में मैंने सूट वगैरह डाले थे सारे। अड्डा का यो भी कसूता रास्ता है भाई, कदे रूए ना लग जाए, मशीन में गेर दें तो एक के रूए दूसरे पर लग जाए, सारे कपड़े का नाश हो जाए। छोटले मोहित के पास भी मैंने फोन कर दिया था कि भाई खाना बन गया आ जाए जल्दी। इतने यो आया पुच्ची पूरा एक्साइटेड हो जाए, इन दोनों ने देख की बाबे ने मोहित ने करे अपना भोजन शुरू। और जब भी हम खाना खावा सलाद जरूर खाया करा ताकि अपने भरपूर फाइबर मिल सके। खाना खाने के बाद मैंने अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन निपटाई और आज की दवाई बता दू तुमने एमएमएलिस मदर टिंचर, जिसके भी पाइल्स यानी कि बवासीर की प्रॉब्लम है उन खातर बहुत बढ़िया दवाई है। कल एक कमेंट आ रहा था कि जी पाइल्स की दवाई बताओ। कंसल्टेशन मेरी निपट गई थी और शाम का टाइम हो लिया था, इसका मतलब हमने तो बाहर घूमन जाना है जाना। अपने जूते जाते पैर लिए, पुच्ची का भी बेल बांध अर्ली कट लिया हम तीनों बाहर, लेकिन हम दोनों इतने भुलक्कड़ हाँ नीचे जाके मारे न्यू याद आवे कि हमने व्लॉग तो अपलोड कराया को नहीं आज जो 6 बजे करा करा, ऊपर आए बाजे बाजे व्लॉग अपलोड करा। देखा यार यो के ड्रामा कर रखा, एक बार नीचे ले जाए फिर ऊपर ले आवे, इनका भी कुछ नहीं समझ आंदा। हमारे बाबा के पास भी फोन कर दिया था, छोटले मोहित दौरे भी कर दिया था कि चलो बाहर घूम के आओगे, कुछ सामान भी खरीद के लेना था हमने मार्केट से, सारे हो जावा गाड़ी में लोड अर्ली कर लिया। पुच्ची आ जाए अपनी फेवरेट जगह पे, इसने बाहर देखना बहुत घना पसंद है, हमारे दोनों के बीच में खड़े होगी। भाई आज हमने डिसाइड कराया कि हम कैंपिंग खातर सामान खरीद के ले आवेंगे, एक तो पोर्टेबल चेयर लेनी है, एक टेंट वगैरह लेना है। जब हमारा पेवा चौक सज कौन रहा है इसका मतलब कैथल में कोई प्रोग्राम को नहीं, यह मेन निशानी है कैथल की, जब भी वो पेवा चौक सज जाए इसका मतलब कोई ना कोई बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। पहुंच जावा चेयर वाले भाई का, लेकिन आड़े 4-5 दुकान पे पूछा, बोले जी पोर्टेबल चेयर तो हम ऑर्डर पे बेशक मंगवा दा, न्यू तो पूरे कैथल में हमने कितने कौन पावे। भीतर बढ़ के देखा ये प्यारी प्यारी क्यूट सी चेयर धरी थी, जमा छोटी छोटी माँ ये भी सही काम देंगी पार्टी की जगह तो, लेकिन जब भी आप कितने घूमन जावा तो सामान ही उतना हो जाए, कितने कपड़े कितने फिर यो टेंट का सामान हो जाएगा, तो गाड़ी में नावड़ा एक होनी हो, इसलिए पोर्टेबल चेयर लेनी ठीक रहेंगी। आज का मिशन हो गया हमारा अनसक्सेसफुल, कोई भी सामान नहीं मिल पाया हमने, प्लान करना पड़ेगा दिल्ली जान का, उड़े मिलेगा सारा कैंपिंग का सामान। ही हमने कुछ सब्जी खरीदनी थी, पहुंच जावा सब्जी वाला भाई दौरा, भाई ने जानने कहा कि मैडम बहुत दिन बाद दिखे हो आप तो, बहुत सारी रंग बिरंगी सब्जी हमने खरीदी। पूछे हमने गाड़ी में छोड़ रखा था जो कि बाहर आने खातर बहुत उतावला हो रहा था, सब्जी खरीदी इतने दोनों मोहित गायब हो गए, लेकिन हमने दिमाग लगा लिया मां पक्का कुछ ना कुछ खान जाए पाओगे, जब भी ये दोनों मैं नाम राशि इकट्ठे हो जाए ना, इन इतनी जीव डक मारा इनकी। इतनी बार में मोहित बड़ा राजी हुई, पूरी बड़ी स्माइल लेके और बर्गर हाथ में लेके हमने आंदा दिखा, चमी हमने दिख गया ओम जी मां चलो फिर एक चोको ट्रफल तो खाए लेवा। हाँ आनंदर मैंने बर्गर बर्गर खाना इतना पसंद को नहीं, तो पहुंच गए हम भीतर और आज तो कमाल हो गया, चोको ट्रफल धरी पागी ना, इस टाइम तक तो इनकी खत्म हो ही पाया, अगर महीने 20 दिन में तुम्हारा जी करे अगर खाने का उससे दिन खत्म हो ही पावे। वो ट्रफल ने मेल्ट करा के खाने का भी न्यारा है मजा आ रहा है। ये भैया खड़े थे बोले मैडम हम तो आपके सारे व्लॉग देखते हैं, मैं ठीक है भाई ले तन्ने भी व्लॉग में ले लूं। सामान लिया बाहर लिखड़े इतने मोहित और ने भी अपना जो खाना था वो खा चुके थे, ये भी कुछ किचन का सामान लेना था, सारा सौदा पैक करा के हम चाल पड़ा घर का, नहीं जान दी अपने बाबा थी टाटा बाय बाय गुड नाइट करा। घर ने पहुंचे तो हमने देखा कि 2-4 कंसल्टेशन नई बुक हो रही थी, मंगा ले ये पहले ये निपटाऊं।